बोला जी नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ बताइए। कल नीनी नि पारे बुंगतामो ताई नी नि नंगतामो खाए आम सुनो की चा साई खना रेडी। अच्छा कोला जी मुझे बताया गया कि आपके गांव में दशकों से बिजली नहीं थी, अब गांव में बिजली आ गई है तो गांव का माहौल कैसा रहता है? नहीं नहीं आरो आगे हैं आगे अनेक बस होते कारण करई हैं ताबू खे कारण फाई क्या गया हम ताबू नीन ग्रामो नीन पारावो बुती तुम खा आ कारण फाई कारण फाई मन समय का चुंग तुम थोये मैं तो हाँ सर चुंग बोन भाई खुशी मैं तुम के हर हक शंपू को बचुंग केरन ची बुमाई थोया हम बाजार में बुचाल लायो इंगे चुंग बाजार फाइन बु 20 किलोमीटर रनाओ इंगे चुंग अवन भाई चुंग ना हम भाई मैं आफाई हो सर। इस सोलर पावर प्लांट मिलने से हम लोग बहुत खुश है सर। और पहले जब ये सोलर पावर प्लांट नहीं था तो हम लोग केरोसिन यूज करना पड़ता था, तो फिर हम लोग का जो केरोसिन का बाजार है वो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर दूर है हम लोग के गांव से। फिर हम लोगों को केरोसिन खरीदने के लिए उस बाजार में जाना पड़ता था, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि केरोसिन नहीं मिलता है तो हम लोग का गाँव जो है पूरा अंधेरे में रहना पड़ता है। और इस सोलर पावर प्लांट मिलने से हम लोग अभी जो है हम लोग गाँव पूरा उज्जवल हो गया और हम लोग बहुत खुश है सर। अच्छा कोला जी अब बिजली आ गई तो फिर तो मोबाइल चार्जिंग करते होंगे, टीवी भी आ गया होगा और बच्चे भी घर में टीवी देखते होंगे, क्या क्या होता है? तब खाए नहीं ना कारण फाइमा पर खाए तब मोबाइल वो व्यवहार खाना नंग टीवी वो नाई ना हिंगते चेरा वो पोरी ना आम तेरा खद खाए नहीं ना कारण फाइमा पर नहीं पा रहा वो कारण फाइमा समय के चौंग हो टीवी बनायो फैन बचाले वो हिंगे चौंग परिष्कार के सोचा में हा इंगे चुंग दौड़ रहा है खुशी के फोन चला में हा इंगे चुंग नौ निशा मुंह बुखे तो में हा के चुंग मोबाइल चार्ज बुखे में हा। इस सोलर पावर प्लांट मिलने से हम लोग बहुत फायदेमंद हुए सर। जैसे कि हम लोगों को मोबाइल चार्जिंग करना पड़ रहा है अभी इस गांव में, पहले तो हम लोगों को ये मोबाइल चार्जिंग करने के लिए हम लोग बहुत दूर जाना पड़ता था, लेकिन अभी ये सुविधा हम लोग के गांव में ही मिल जाता है और हम लोग का घर में ही मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं। और अभी हम लोग टीवी भी देख सकते हैं सर और हम लोग फैन भी यूज करते हैं सर, जो पहले ये सब हम लोग यूज नहीं कर सकता था अभी ये सब अभी हम लोग यूज कर सकते हैं। और सर यही नहीं सर, जो हम लोगों का जो गांव का जो बच्चा था जो पहले ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाता था क्योंकि उनके रात में अंधेरा हो जाता था और पढ़ाई वढ़ाई कर नहीं सकता था, लेकिन अब ये सोलर पावर लगने से ये बच्चों के पढ़ाई में भी बहुत सहायता हुआ है सर। और यही नहीं सर, और जो शाम को जो काम करते हैं हम लोग, पहले हम लोग काम नहीं कर पाता था लेकिन अभी ये सोलर पावर मिलने से हम लोग अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ट्रेडिशनल बेम्बू प्रोडक्ट करते हैं शाम को, और फिर हम लोग जो रात को जो हम लोग ये किचन में जाते हैं, फिर पहले हम लोग ठीक से दिखाई नहीं देता था लेकिन अभी हम लोग ठीक से साफ से दिखाई देता है और हम लोग ठीक तरह से कर सकते। कोला जी आपको मालूम है टीवी पर भारत सरकार की तरफ से बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लासेस चलते हैं, आप अगर उसमें डिटेल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है अच्छे से अच्छे शिक्षकों से, आपके बच्चे जिस भाषा में समझ सके तो सरकार बच्चों को पढ़ाने के लिए टीवी का माध्यम से पढ़ाता है, तो आप जरा उसको ढूंढ लीजिए और अपने बच्चों को भी और गाँव के सब बच्चों को टीवी के से भी क्लास पढ़ा जा सकता है, किताबें पढ़ाई जा सकती हैं, उसको सिखाइए बच्चों को तो उनका समय का बहुत उपयोग हो जाएगा। करेंगे करह जी सर सर कलह जी नंगसाय जमान टीवी वो एक टा प्रोग्राम फायो जेटा चेरा रंगनो पोइना बगई हिंगे यार परे चेरा रंगनो आरंड टीवी होते नाई नो चेरा रंगनो फुरंगमानो हिंगे आरंड होते नंग अनेक किसो सुरंगमानो टीवी नाई नो नंग कुनो जागा वो थाना नाई गया नी पाराओ नो टीवी नाई नंग पोरा सुरंगमानो नंग आमो साय जमान हिंगे नंग आमो जदि साय में आखा बा टीवी रंग दिखे नाई नंग नी चेरा रंगनो आप दिखे पोरी रीडी चंगनो वो टीवी ओ चंग हिंदू हिंदू भाषा रंगनो वो इंग्लिश रंगनो वो हिंगे चंग उनको बिंग पर मर वो चौंग बिंग शिखा के मर नाइमा तो उनको बिंग उनको बिंग इंग्लिश हाल मर वो
सर हम लोग टीवी में बहुत कुछ देखने को मिलता है, जैसे वीडियो इंग्लिश हिंदी वो सब अभी हम लोग देखते हैं। वो बच्चों को जो पढ़ाई करने का है वो भी हम लोग अभी देखेंगे और गांव वालों में जाके हम लोग समझाएंगे कि ऐसा भी कर सकते हैं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए। चलिए कोला जी, आपने बताया कि कैसे अब बिजली आने से बच्चों की पढ़ाई और आपकी पारंपरिक बांस की कला को भी लाभ हुआ है। जीवन को गति देने के लिए पर्याप्त बिजली हर घर में हो, इस दिशा में देश तेजी से काम कर रहा है। मेरा आपसे आग्रह यही है कि बिजली बचाने की भी उतनी ही कोशिश करना। अब बिजली आई है तो बस लट्टू जल रहे हैं, पंखा चल रहा है, कोई घर में है नहीं है तो भी चल रहा है, ऐसा मत करना, गांव वालों को समझा देना।